आज हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? सामान्य तौर पर संभवतः मैं और आप भी यही कहेंगे, हाँ जी क्यों नहीं पहचानता हूं। लेकिन मित्र, ये उत्तर आपने अपने उस स्वरूप के लिए दिया है जो नितांत बाहरी है और जिसे आप सीमित रूप से जानते हैं। क्या वास्तव में यही आप हैं? तो मैं कहूंगा कतई नहीं। वास्तविक दृश्य मनुष्य वह नहीं है जिसके भौतिक स्वरूप को हम जानते हैं, लेकिन एक और है जो अंधे का है लेकिन जिसका आभास हम में बना रहता है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व। यही वास्तविक आप हैं, यही वास्तविक मैं हूं, जो अपने सांसारिक व्यक्तित्व को चलाते हैं दुख और सुख में, लाभ और हानि में, युद्ध और शांति में, अथवा जीवन या मृत्यु में। आप कुछ करना चाहते हैं ये आपको रोक देता है, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये आपको नहीं कहने देता। हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमसे जो चाहता है वह करवा लेता है। कौन है ये, इसको पहचानना उतना ही आवश्यक है जैसे घनघोर जंगल में जब हम अकेले हों तो शेर की आहट, या जब निराशा में डूबे हों तो आशा की किरण। हर एक मनुष्य के अंतस्थल में, हृदय के गहरे गहन भाग में एक कुछ ऐसी वस्तु है, ऐसी शक्ति है, एक अनूठा बोध या चेतना है। जब भला काम करते हैं हम तो वह उसका अनुमोदन करती है, प्रसन्न और तृप्त होती है, लेकिन जब हम बुरा करते हैं वह अकुलाती है, व्याकुल होती है और हमें दोष देती है। यही हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा अंतःकरण, हमारा विवेक या अदृश्य शक्ति है जो मनुष्यत्व के अंदर वास करती है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। मुझे एक भीतरी व्यवस्था वाली मनोवृत्ति की आवश्यकता है जो सतत जागरूक तथा परमेश्वरीय भय में बनी रहती हो। ये विचार संसार के एक सुप्रसिद्ध विद्वान और मिशनरी, परमेश्वर के सेवक चार्ल्स वेस्ली के हैं, जिन्हें उन्होंने विवेक के संबंध में वास्तविकता या सत्य को प्रकट करने को कहा था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कैंट ने लिखा, दो वस्तुएं मेरी बुद्धि को निरंतर बढ़ते जाते आश्चर्य और भय से भरती हैं, निस्सीम आकाशमंडल जो मेरे ऊपर है तथा भलाई और बुराई की चेतना व्यवस्था जो मेरे अंतरतम में बहुत भीतर है। ये चेतना व्यवस्था या विवेक मनुष्य के परमेश्वर रचित त्रिएक स्वरूप का एक अव्यक्त लेकिन सक्रिय और शक्तिशाली भाग है। इसमें भौतिक संसार का कोई योगदान नहीं, ना ही इसकी रचना में कोई मानवीय व्यवधान अथवा हस्तक्षेप होता है। परमेश्वर ने जब हमारे प्रथम पुरखा आदम हव्वा की सृष्टि की, उसने तभी उन्हें वह स्वतंत्र इच्छा भी दी जिसके द्वारा वे देह के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वरी ज्ञान से संचालित हों। यह स्वतंत्र इच्छा शक्ति ही त्रिएक मानवीय स्वरूप का वह भाग है जिसे शुद्ध अंतःकरण अथवा ईश्वरीय विवेक कहते हैं, और धूर्त सांप शैतान के बहकावे में आकर जिसका प्रयोग आदि माता हव्वा और हमारे परम पुरुष आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध करके स्वयं को अपनी सारी मानव संतान के साथ पापी, अपराधी और मृत्यु का विषय बना लिया था। इसी कारण परमेश्वर के सनातन शाश्वत एवं पवित्र वचन बाइबल ग्रंथ में इसे मानव जीवन और परमेश्वर के राज्य के एकत्व मार्ग में विचारणीय और बहुत महत्व दिया गया है। भीतरी मनुष्यत्व अथवा विवेक शब्द का 32 बार धर्मग्रंथ नए नियम की पुस्तक में उल्लेख हुआ है, और प्रेरित पौलुस ने 21 बार अपने आलेखों में इसका प्रयोग किया है। प्रिय श्रोता बहनों और भाइयों, यदि हम अपने मसीही जीवन और विश्वास में सफल और अधिक दृढ़ होना चाहते हैं
विवेक क्या है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व की स्थिति क्या है, यह किस भांति कार्य करता है, हमें स्पष्टता से इसे समझना चाहिए। अपने इन संदेशों में आपके प्रति मेरी लालसा ये है कि इन दिनों में जब हम इस महत्व के विषय पर परमेश्वर के वचन के अनुसार विचार कर रहे हैं, तो आपको ऐसा अवसर मिल जाए कि आप अपने इस अभिन्न भाग भीतरी मनुष्यत्व से ना तो केवल भेंट कर सकें, वरन उसे पहचान कर उसे आत्मिक व्यवस्था का ऐसा अनुगामी बना दें जिससे आपका जीवन इस जगत में ईश्वरीय महिमा और परलोक में हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत राज्य का अंग बन जाए। भीतरी मनुष्यत्व से संबंधित दो बिंदुओं पर सबसे पहले मैं वार्ता करना चाहता हूँ। पहला, इसकी परिभाषा कि विवेक या भीतरी मनुष्यत्व क्या है। द्वितीय, इसका विवरण, परमेश्वर के वचन में विवेक को किस प्रकार चित्रित किया गया है। यदि हम समझ लें विवेक क्या है तथा वह किस प्रकार से कार्य करता है, यह हमारे जीवनों में आमूलचूल परिवर्तन ले आएगा। आप सबसे पहले भीतरी मनुष्यत्व अर्थात विवेक की व्याख्या पर ध्यान लगाइए। भजन संहिता में पवित्र आत्मा ने महाराजा दाऊद के द्वारा बहुत स्पष्टता से विवेक की स्थिति को स्पष्ट किया है। वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। देखिए भजन संहिता 139 पद 1, 2 और 3। विवेक संपूर्णतः ईश्वरीय व्यवस्था है, वह सतत सजग और शाश्वत है, निरंतर हम पर शासन करना चाहता है। श्रोता मित्रों, आप या मैं कोई भी हो, अपने विवेक से हम कभी बच नहीं सकते। आपको अपने विवेक के साथ रहना ही पड़ेगा। अपने विवेक के साथ आप बहस कर सकते हैं, आप अपने ईश्वरीय पावन विवेक को आप पवित्र और भ्रष्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कि आप स्वविवेक को बलपूर्वक बहुत कठोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पर गलत राह चलने को दबाव डालते हैं। संभवतः ये बुराई की ओर कार्यशील हो जाए, लेकिन ये सदैव वहीं आप में बना रहेगा। दुख, पीड़ा, चिंता और अंततः निराशा में यह जीवन, जहां भीतरी मनुष्यत्व उस मार्ग पर नहीं चलता जिस पर परमेश्वर हमारा सृजनहार इसे सक्रिय देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम इसे कठोर बना देते हैं। परमेश्वर ने कहा है, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। 1 सैमुएल 16:7। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है वो करता रहता है, क्योंकि उसने हमें पशुओं की श्रेणी में नहीं रचा जिनके पास ये भीतरी शक्ति विवेक या मनुष्यत्व नहीं होता, जिसके कारण वे अपनी परिस्थितियों के दास होते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र प्रज्ञा ज्ञान दिया है, अपने समान दैविक चेतना दी, ताकि हम अपनी उन सभी भौतिक और दैहिक स्थितियों से जो हमें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध लेकिन संसार, शरीर और शैतान की दासता में ले चलती हैं, स्वतंत्र रहें, उद्धार प्राप्त करें। आपके पास भी ये विवेक, ये भीतरी मनुष्यत्व भीतर गहरे में मौजूद है। अभी इस समय जब मैं कह रहा हूँ वो इसे सुन रहा है, इस क्षण वो आपसे कितनी धीमी आवाज में कह रहा है, परमेश्वर के मार्गों पर चलना मेरे लिए संसार की मित्रता से कितना भला है। मेरे प्रिय मित्र, मेरी प्रार्थना है आप भीतर जो धीमी आवाज आ रही है उसे सुने, क्योंकि वह भीतरी विवेक परमेश्वर का प्रतिनिधि है और परमेश्वर चाहता है आप इस सत्य को पहचाने और परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर समान रूप से हो। आमीन।